दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को, और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिलते रहे। वेलकम फ्रेंड्स, सो स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, जो एमिनोग्लाइकोसाइड इंजेक्शन है, जिसका नाम है एमिकासिन इंजेक्शन। यह इंजेक्शन किन किन बीमारियों में प्रयोग लिया जाता है जानेंगे इसके बारे में, साथ ही इसकी कुछ ब्रांड नेम जो मार्केट में अवेलेबल है, प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, क्या सावधानी रखनी होती व्यक्ति को जब ये इंजेक्शन लगता है, कुछ साइड इफेक्ट, इसकी डोज, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इस इंजेक्शन का कार्य करने का तरीका क्या है, जिसे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं। तो ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित आदिच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। एमिकासिन इंजेक्शन एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि हॉस्पिटल तथा क्लिनिक में डॉक्टर द्वारा प्रयोग लाया जाता है। जब मरीज जेंटामाइसिन तथा टोब्रोमाइसिन इंजेक्शन से रेसिस्ट हो जाता है, मतलब ये दोनों इंजेक्शन जब मरीज पर काम करना बंद कर देते हैं, तब डॉक्टर एमिकासिन इंजेक्शन मरीज को लगाते हैं, तब उसे फ़ायदा मिलता है और बीमारी ठीक हो जाती है। साथ ही एमिकासिन इंजेक्शन 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम पर 2 ml की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, और जो इसकी वायल है 2 ml और 4 ml की बनाई जाती है। यह इंजेक्शन इंट्रावीनस मतलब आईवी तथा इंट्रामस्कुलर आईएम दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है। इसकी अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो मेडिकल स्टोर पर या ऑनलाइन फार्मेसी यह मैंने जेनरिक नाम एमिकासिन से आसानी से मिल जाता है, परंतु कई जगह पर यह अपने ब्रांड नेम से मिलता है। इसलिए एमिकासिन इंजेक्शन के कुछ पॉपुलर ब्रांड है उसके बारे में हम जान लेते हैं, जैसा कि एमिसिन इंजेक्शन, मिकासिन इंजेक्शन, मिकाजेस्ट इंजेक्शन, मिकास्टार इंजेक्शन, ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड है। और हो सकता है आपके एरिया में ब्रांड कुछ अलग नाम से मिले, क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है, बट जो मेडिसिन का नाम रहेगा वो एमिकासिन ही रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम इसकी प्रिकॉशन के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन रखने होते हैं इस इंजेक्शन का जब प्रयोग लेते हैं। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो यह इंजेक्शन किसी भी सूरत में उस महिला को नहीं लगाया जाता है। इन केस यदि महिला को लगा दिया जाएगा तो जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है वो डीप हो जाएगा, मतलब उसमें बहरापन की आपको शिकायत रहेगी। यदि किसी व्यक्ति की किडनी डैमेज है, किडनी संबंधी उसको कोई बीमारी है, तब भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। साथ ही कोई पेशेंट मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन कोई ले रहा है, जैसे क्लोरजोक्सोजोन है, टिजानिडीन है, ये अगर वो कंज्यूम कर रहा है तब भी एमिकासिन जो इंजेक्शन है पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है। साथ ही टोरसेमाइड, फ्लूसेमाइड या कोई सिलिंग डायुरेटिक पेशेंट अगर कंज्यूम कर रहा है तब भी यह दवा उसे नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा एम्फोटेरिसिन बी, विनकोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन और सिसप्लाटिन, अगर ये टेबलेट भी दे रहे हैं तब भी यह इंजेक्शन पेशेंट को नहीं लगता है। और विशेष तौर से एक बात आप ज़रूर से ध्यान रखें, यदि आप यह इंजेक्शन एमिकासिन लगाते हैं या कोई भी एमिनोग्लोक्साइड का यूज़ कर रहे हैं, तो किन्हीं दो इंजेक्शन को एक सिरिंज के अंदर मिक्स नहीं करें, ना ही एमिकासिन को किसी एक बोतल में दूसरे इंजेक्शन के साथ मिक्स करें, क्योंकि आपस में इंटरडेट कर सकती है, पेशेंट को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। प्रिकॉशंस जानने के बाद बढ़ते हैं दोस्तों इसके यूज़ की तरफ, क्या क्या इसके यूज़ हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि एमिकासिन इंजेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका सबसे जो पहला यूज़ है वो आपको जॉइंट इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। जब भी जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आपकी नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर्स में, रिस्ट में, उस वहाँ पे आपको स्वेलिंग हो जाती है, दर्द वहाँ पे रहने लगता है, तो उस स्थिति में आपको ये अगर एमिकासिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। दूसरे यूज़ की तरफ अगर बढ़ते हैं तो इंट्रा एब्डोमिनल जो इन्फेक्शन आपको होता है पेट के अंदर, मतलब स्टोमक में आपको इन्फेक्शन हो, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो, जिसके कारण आपको वोमिटिंग या लूज मोशन हो रहा हो, एक टाइफॉइड भी इसके अंतर्गत ही आता है,
तो ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर द्वारा एमिकासिन इंजेक्शन आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। मेनिंगिटिस करके एक बीमारी है जिसमें ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाती है, जो आपके गर्दन के पीछे का एरिया है वहाँ पे, जिस कारण से व्यक्ति को बुखार आना, सिरदर्द होना, गर्दन का अकड़ जाना, ये कुछ सिम्टम है। और इसके अलावा जो आवाज़, तेज़ आवाज़ है, वो भी व्यक्ति को सहन नहीं होती। तो इस मेनिंगिटिस के ट्रीटमेंट में भी एमिकासिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। निमोनिया एक बीमारी है जो फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी है, जिसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जिस कारण से व्यक्ति श्वास नहीं ले पाता, उसको बुखार आना, चेस्ट में पेन रहना, सूखी खांसी होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं। तो ऐसी स्थिति में भी एमिकासिन इंजेक्शन बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, सेप्सिस करके एक बीमारी है जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बहुत ही डरावनी बीमारी है, जिसमें ब्लड में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण से शरीर अपने खुद के टिश्यू को मारने लग जाता है, इंजूर करने लग जाता है। इस बीमारी को आप केवल और केवल डायग्नोसिस से ही पता कर सकते हैं, लक्षणों की सहायता से आप इसको नहीं जान सकते। तो डॉक्टर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, वो डायग्नोसिस के आधार पर सेप्सिस को पता करते हैं, और इसके कुछ लक्षण हैं जैसे फीवर होना, श्वास में परेशानी रहना, लो बीपी हो जाना, आप जो हार्ट की रेट है वो फास्ट हो जाना, ऐसी कुछ कंडीशन में जब सेप्सिस कन्फर्मेशन हो जाता है, तब एमिकासिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे हम UTI बोलते हैं, जो आपकी पेशाब की जो थैली है, साथ ही किडनी है, उसके पेशाब की जो ट्रैक है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण से आपको पेशाब में जलन होना, दर्द होना, ये आम बात हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी एमिकासिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम MDR-TB कहते हैं, यह ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन की एक स्थिति है, जब टीबी के बैक्टीरिया अपने खुद की जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, जो कि आइसोनियाजिड और रिफाम्पिन है, उससे रेसिस्टेंट हो जाते हैं। बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, थेरेपी है, लेकिन उससे भी रेसिस्ट हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में डॉक्टर एमिकासिन इंजेक्शन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है, और टीबी में भी यह बहुत ही फायदा करता है पेशेंट को। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर बात करें तो किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर बॉडी में होता है, तो एमिकासिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि आप मेरा वीडियो देख के आप यह इंजेक्शन खुद यूज़ करें या किसी और को सजेस्ट करें। प्लीज़, आप किसी भी प्रकार की अगर मेडिसिन का यूज़ करें तो केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे करें, क्योंकि दवाएं बहुत अच्छी फायदेमंद रहती है, लेकिन नुकसान करती है, जब जान जाने तक की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसकी डोज की तरफ। क्या सामान्य डोज पेशेंट को दी जाती है? वैसे तो पेशेंट की स्थिति पर निर्भर करता है कि उसको डॉक्टर क्या डोज दें, फिर भी जो कॉमन डोज है इसकी, वो वेट के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। यदि किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है, तो उसको 900 मिलीग्राम एमिकासिन पूरे दिन में 2 या 3 डोज में डिवाइड करके दिया जाता है, जैसा कि 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे के अनुसार दिया जाता है। ये और ये अलग अलग बीमारी में अलग अलग रहता है, ये इसकी कॉमन डोज है। और इस इंजेक्शन को, जैसा कि आपको पता है, IM तथा IV दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये डोज जानने के बाद हम बढ़ते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इस इंजेक्शन के कॉमनली साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए, फिर भी अगर साइड इफ़ेक्ट होता है, बहुत भयानक सा साइड इफ़ेक्ट है, हियरिंग लॉस, मतलब व्यक्ति को सुनाई देना बिल्कुल ही बंद कर जाएगा, ये इसका बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। साथ ही बैलेंस प्रॉब्लम, व्यक्ति अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा जब ये इंजेक्शन लग जाता है उसके बाद में। किडनी से संबंधित कुछ समस्या उसको हो सकती है, और लॉन्ग टर्म जब इसका यूज़ करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट में पैरालिसिस भी देखा गया, व्यक्ति को पैरालिसिस भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये या इसके अलावा भी कुछ अनवांटेड इफेक्ट अगर आपको मिले इस इंजेक्शन के, तो तुरंत इस इंजेक्शन का इंजेक्ट बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि इसकी जगह आपको कोई और इंजेक्शन लिख सके और दूसरा आपको फर्दर ट्रीटमेंट दे सके। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ, क्या इसका कार्य करने का तरीका रहता है। जैसा कि आप ये जानते हैं, एमिकासिन एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट रखता है, मतलब बैक्टीरिया को मारता है। यह बैक्टीरिया की सेल वॉल में जाकर राइबोसोम से बाइंड होता है, और बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस रहती है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, उसको खत्म कर देता है। और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकती है, तो बैक्टीरिया अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, और इस प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये इसका तरीका था कार्य करने का, और ओवरऑल मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन एमिकासिन के लिए आपको बता दी है, जो पेशेंट के लिए और नर्सिंग स्टाफ के लिए ज़रूरी थी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से इसको लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया,
तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन जरूर से दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आएंगे और आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देख पाएंगे। दोस्तों, आप थे अपने दोस्त मोहित दादीज के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजर्स।